नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मेरा नाम है राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही अब बिहार के राजनीतिक पार्टियों में भी हो हल्ला देखने को मच रहा है। सीटों को लेकर खबर है डेहरी विधानसभा सीट की, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिलहाल वहां से जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन खलबली मची है राजद में। राजद के जो पूर्व विधायक हैं इलियास हुसैन, उनके बेटे फिरोज हुसैन राजद से यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि राजद ने इस बार फिरोज हुसैन को टिकट देने से इनकार कर दिया है और उस सीट पर किसी और को उम्मीदवारी दी जा सकती है। अब इसको लेकर डेहरी विधानसभा सीट पर राजद के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं और लगातार उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और सीधे सीधे कहा है कि अगर फिरोज हुसैन को टिकट नहीं दिया गया तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और राजद को उस सीट से जीतने नहीं देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं वहाँ के राजद कार्यकर्ता। आप लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, आज क्या मामला है, क्यों? डेहरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो फिरोज हुसैन के पिताजी जो हैं मोहम्मद इलियास साहब, जो आज 40 साल से डेहरी विधानसभा को सींचने का काम किए हैं और पूरे यहाँ का जितना भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, जनता है, सबको अपने दिल में बसा के रखने का काम किए हैं। और आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो है फिरोज हुसैन जी को मानते हैं और आज पता चला है कि हमारा यहाँ पर दूसरे प्रत्याशी को दिया जा रहा है, जो कभी भी हमारा राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करने का काम नहीं किया है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने हमारे विरोधी के साथ था, आने वाला जो उपचुनाव था उसमें भी उसने हमको सहयोग करने का काम नहीं किया और वैसे व्यक्ति को टिकट देने से हम लोग को काफ़ी दुख पहुंच रहा और इस स्थिति में हम लोग पूरे विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निर्णय लिए हैं कि हम लोग सब अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और नहीं तो हम माननीय लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू इस पर ध्यान दे और हमारे प्रत्याशी फिरोज हुसैन का टिकट देकर हमारे विधानसभा में भेजने का काम करे और नहीं तो मैं या हमारे सभी कार्यकर्ता हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे जिनको विधान प्रत्याशी बना के भेजेंगे। क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को डेहरी विधानसभा में फिरोज हुसैन को ही चाहिए और इसमें यदि तेजस्वी यादव ने किसी मामले में कोई हस्तक्षेप उन्होंने किया है तो ये गलत निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ से फिरोज हुसैन ही जीतेगा। या उनको टिकट मिले या ना मिले, हम लोग फिरोज हुसैन के साथ हैं और रहेंगे और समय हमेशा साथ उनकी देंगे। आपको इस सीट की थोड़ा इतिहास हम बता देते हैं कि इस सीट पर इलियास हुसैन, जिनके बेटे हैं फिरोज हुसैन, असल में हुआ ये कि 2015 विधानसभा चुनाव में यहाँ से वो राजद के टिकट पर जीतते हैं, लेकिन 2018 के आसपास उनकी जो इस सीट पर दावेदारी थी, यानी कि वो जो विधायक थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है पटना हाई कोर्ट और वो जेल में है, क्योंकि अलकतरा घोटाले में उनको सजायाफ्ता किया जाता है, 5 साल की सज़ा उन्हें सुनाई जाती है। इसके बाद इस सीट पर 2019 में बाईपोल होता है, यानी कि उपचुनाव, जिसमें इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन को टिकट दिया जाता है राजद से, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। लगभग 33,000 मतों से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरा देते हैं। शायद इसी को लेकर तेजस्वी यादव इस बार फिरोज हुसैन को टिकट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उपचुनाव में उन्हें शायद फिरोज हुसैन का परफॉर्मेंस सही नहीं लगा। लेकिन जो कार्यकर्ता का कहना है कि यहाँ पर जिसको वो टिकट देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव फिरोज हुसैन के अलावा, वो राजद के पक्षधर नहीं है, राजद के विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, राजद का कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया है, राजद के साथ नहीं खड़े हैं और इसलिए यहाँ से उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए बल्कि फिरोज हुसैन को देना चाहिए, क्योंकि उनके पिता इलियास हुसैन काफ़ी पुराने राजद के नेता रहे हैं और लगातार पार्टी को सींचने का काम किया है। डेहरी विधानसभा में उन्होंने काम किया है और उनके जो समर्थक हैं वो शायद इसी वजह से फिरोज हुसैन को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कई बार इस बात का जिक्र कर दिया है कि जिनके ऊपर भी किसी प्रकार का आरोप है उससे इस बार राजद कन्नी काटते नजर आएगी और शायद ऐसे कई लोगों को टिकट इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में राजद काट सकती है। देखना होगा कि क्या फिर से
एक बार और फिरोज हुसैन पर तेजस्वी यादव भरोसा करते हैं, या फिर जो खबरें आ रही हैं कि शायद डेहरी विधानसभा सीट से इलियास हुसैन का अब पत्ता, यानी कि उनके बेटे फिरोज हुसैन जो दावेदारी पेश कर रहे थे राजद से, उनका पत्ता साफ हो जाएगा और डेहरी विधानसभा जो कि काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आता है उस पर राजद अब एक नया उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं और जब सीट का लिस्ट जारी होगा राजद का तब यह पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।